तो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। राजेंद्र त्रिवेदी से समाचार प्लस के संवाददाता दिनेश चौहान ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान विधानसभा का बिगुल बजने के बाद आज अंतिम नामांकन तिथि है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र त्रिवेदी ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस बारे में आज उनसे बात करते हैं कि उनके किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। राजेंद्र जी, आप सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, किन मुद्दों पे आप चुनाव मैदान उतरेंगे? मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मुद्दे क्या, मुद्दे तो हमारी 5 साल की जो सरकार रही है, जितने जो गारंटी ली है और नई जो गारंटियों की घोषणा की, उसके आधार पे हम क्षेत्र में उतरेंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। बीच में एक नारा चला था कि आप ब्राह्मण चेहरा है, सामने वैश्य जाति से बीजेपी ने टिकट दिया है, तो क्या टक्कर रहेगी आपकी? राजनीति में 36 ही जात बराबर है, न ब्राह्मण न वैश्य न जाट न गुजर न ब्राह्मण, जो सेवा करता है उसको फल मिलता है। आपने आपकी भाभी का टिकट एमएलए थी, यहाँ पे सिटिंग एमएलए, उनकी बजाय आपको पार्टी ने कैंडिडेट दिया, क्या परिवार का पूरा साथ मिल रहा है आपको? 100% परिवार साथ है, कोई विवाद नहीं है किसी भी प्रकार का, ये फालतू की अफवाहें। भाजपा ने 35 साल में जाट जाति को टिकट देती ही है, क्या अब की बार जाट जाति जो बहुसंख्यक मतदाता है सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उनका आपको समर्थन मिलेगा? नो कमेंट सर, में इस पार्टी के बाद में विरोध में कोई बात नहीं करना, उनकी पार्टी के वो जाने मुझे पता नहीं। ये थे राजेंद्र त्रिवेदी, जिनका कहना है कि वो पूरे परिवार के साथ में एकजुट होकर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अब की बार यहाँ पे कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। दिनेश चौहान, समाचार प्लस, गंगापुर।